जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने 42700 का कॉल बाई किया है, अराउंड 175 क्वांटिटी बाई किया है। कौन से लॉजिक पे बाई किया? मार्केट इधर ब्रेकआउट दिया, हॉल्ट कैंडल बनाया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाया। नाउ फॉर एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट करा, फिर वापस इधर आया, तो वो लॉजिक के हिसाब से बाई किया है। समेरा अराउंड हियर बाई किया है, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी फिलहाल तो थोड़ा ब्रेक इवन पे ही चल रहा है, 200-300 प्रॉफिट। मैं सुबह के ये मोमेंटम कैच नहीं कर पाया हूँ, मैं सिस्टम से थोड़ा अवे था। अगर ऐसे पॉजिटिव मार्केट में, जब ऐसे मार्केट रैली कर रहा है, आपको अगर शॉर्ट करना है, कुछ पैटर्न फॉर्म होने दो, कुछ ऐसा एम पैटर्न करके फॉर्म होने दो, तब जाके शॉर्ट करने की कोशिश करो। ऐसे रैंडमली शॉर्ट करोगे तो आपका एसएल खाएगा सर। नाउ फॉर इंस्टेंस, मार्केट ऊपर गया, इधर एक स्विंग मारा, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट करना है, मार्केट को ये स्विंग ब्रेक करने दो, तब जाके कुछ शॉर्ट का पोजिशन बनाओ। तो जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, अपन भी फ्लो के साथ निकलेंगे। अभी तो थोड़ा लॉस दिखाई दे रहा है, दैट्स बिकॉज मार्केट ने ये वाला रेड कैंडल बनाया है, बट लेट्स वेट। अपना स्टॉप लॉस इधर है के नीचे, ये वाला स्विंग जब क्रॉस होगा ना, एक मोमेंटम होगा। देख रहे हो, मल्टीपल इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहे इधर, इसको ब्रेक होगा तो एक अच्छा फ्लो में निकल जाएगा मार्केट। जैसे देख रहे हो, मैंने एक प्रॉफिट बुक कर दिया है, एक लेग बुक कर दिया है। जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे जब नेगेटिव कैंडल देखते हैं इधर इधर, शॉर्ट करने लगते हैं। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर तभी काम करता है जब इसके नीचे ट्रेड करना चालू करें और इधर एम पैटर्न बनाए। जब ये वाला लो क्रॉस होगा, जब ये वाला स्विंग क्रॉस होगा, तब जाके वो इन्वर्टेड हैमर का कोई सेंस बनता है। जस्ट बिकॉज इधर इन्वर्टेड हैमर है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो सर। लेट मार्केट प्रूव दैट इधर से नीचे जा रहा है, इसलिए मैं आधा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ ना सर। अब मेरे को पता है 4300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, वापस 3900 पे आ गया, आई वॉन्ट गेट इमोशनल अबाउट द ट्रेड। मेरे को पता है मेरा आधा क्वांटिटी तो निकल गया 260 पे। हर दिन मार्केट आपको ऐसा मूव नहीं देने वाला है सर। आज मार्केट ऐसे फ्लो में निकल जा रहा है क्या? नहीं ना, ऐसे हॉल्ट कर रहा है, फिर जा रहा है। अब ये होल्ड करने के चक्कर में मेरा ऑप्शन डीके होगा, मैं ऐसा होल्ड करके नहीं बैठ सकता हूँ ना, क्योंकि अभी फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है ऐसे मल्टीपल इनसाइड कैंडल बनाने के बाद। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया, ये ट्रेड में फर्दर लॉस नहीं लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ ना सर, कभी भी सुबह का मोमेंटम मिस मत करो। उसके बाद आप पूरे दिन में सही भी हो, अगर मोमेंटम नहीं हो ना तो फायदा नहीं है कुछ अपना। चलो, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिस हिसाब का मोमेंटम दिख रहा है, मुझे नहीं लगता मैं और ट्रेड कुछ लेने वाला हूँ अभी। अगर लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ।